नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं बॉर्न टू स्पीड से सर्वेश, मैं आज बात करने वाला हूँ अपने चैन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सारे सर्विस सेंटर इस समय बंद हैं, तो अपनी बाइक को आप कैसे ठीक रख सकते हैं इस लॉकडाउन कंडीशन में, और मैं बताने वाला हूँ। सिंपली आपको चैन कवर ओपन करनी है। अगर आपके चैन कवर नहीं है तो सिंपली आपको एक टूथब्रश लेना है जो कि ख़राब पड़ा होगा। मेरे पास ब्रश भी है, फुल ब्रश, जिससे आप ब्रश साफ़ कर सकते हैं चैन को। बट मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आप भी ऐसे यूज़ करके अपने चैन को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी राइड बहुत ज़्यादा है, डेली राइड बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से अपने चैन को मेंटेन कर सकते हैं। मैं जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं सिंपली ब्रश से ही पेट्रोल या डीजल आप यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। आपके पास जो अवेलेबल है आप यूज़ करके सिंपली आप ऐसे ही ब्रश से चैन को ऐसे क्लीन कर लीजिए। मैं इसको चैन कवर को ऊपर वाले चैन कवर को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से चैन को कैसे क्लीन करना है। बाइक मेरी बहुत गंदी हो रखी है, मैं इसको अभी क्लीन करता हूँ, साथ में ये मेरा चैन भी क्लीन हो जाएगा। और आप देखते रहिए वीडियो को। आपको सिंपली ऐसे ही अपने चैन कवर को ओपन कर लेना है। अगर आपकी ओपन चैन आपके बाइक में आती है ओपन चैन कवर के साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप सिंपली ब्रश से क्लीन कर सकते हैं पेट्रोल या डीजल के साथ। पहले मैं चैन कवर को ओपन कर लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं आगे। जैसे कि मेरा चैन कवर ओपन हो चुका है अब, और चैन कवर को ऐसे सिंपली बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको बाइक को अपने स्टार्ट कर लेना है और आप फर्स्ट गियर में इसे लगा दीजिए और ऐसे ही सिंपली ब्रश को लगाते रहिए ताकि आपके चैन अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। अब देखिए, मैं ब्रश से, मेरी चैन बहुत ही गंदी थी। आप देखते रहिए कैसे मैं बाइक को क्लीन कर रहा हूँ, फिर आपसे आगे मिलता हूँ मैं। ऐसे ही चैन क्लीनिंग के बाद आप सीधा ही अपने चैन को वॉश कर सकते हैं, अपनी बाइक को भी वॉश कर सकते हैं। इससे जितना भी डीजल पेट्रोल आपके चैन पे लगा होगा वो सारा ही क्लीन हो जाएगा। ऐसे ही प्रेशर के साथ आपको धुल देना है अपनी चैन को। इसे धुलने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप इसे 10 मिनट के बाद देखेंगे, चैन एकदम पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पूरी तरीके से ऑयल नहीं है, सारा ऑयल धुल चुका है जो आप डीजल पेट्रोल जिससे भी आप धुलते हैं। अभी आप देख सकते हैं चैन पूरी तरीके से ड्राई हो गई है। अब आप इस पर बस ल्यूब कर दीजिए, और आपको अगर आपकी चैन कवर आपको लगा है तो आप 2 से 2500 किलोमीटर तक इजीली चला सकते हैं। अगर चैन कवर नहीं है तो आप सिंपली 600 से 700 किलोमीटर पर आपको ऐसे ही क्लीन करना पड़ेगा। और मैं इसको गियर आयल से, इंजन आयल से इसको अभी ल्यूब करने वाला हूँ। आपको दिखाता हूँ कैसे ल्यूब करता हूँ, और ये बहुत ही स्मूथ रहेगी। अगर लॉकडाउन में ऐसी कंडीशन में आपकी बाइक बहुत चलती है और आप सर्विस नहीं करा पा रहे हैं, तो आप इसको इजीली घर पे कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। बस आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे सेम कंटेंट्स के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ ल्यूब कैसे करेंगे टाइम लैप्स के साथ।